मामा हथियार। हे मंदबुद्धि, पहले तो डर डर के चलते थे, आज बड़ा सीना तान के चल रहे हो। कहां जा रहे हो? राजकुमारी के पास। इतना दुस्साहस, आधी रात को तुम देवसेना से मिलने जा रहे हो, क्यों? आपका राज्य बड़े संकट में है कुमार वर्मा, मैं जैसा कह रहा हूँ पैसे। मुझे नाम से पुकार रहे हो? अभी समझाने का समय नहीं है मेरे पास, हट जाओ। तुम मुझे हाथ लगा रहे हो? कुमार वर्मा, ये पिंडारी है, सबको सावधान करो। कुमार वर्मा, समय हर कायर को शूरवीर बनने का एक अवसर देता है, वो क्षण यही है। जो प्राण देता है वो भगवान है, प्राण बचाने वाला वैद्य और प्राण की रक्षा करने वाला क्षत्रिय। रुकिए, आप हैं कौन? अब ये बताने का समय नहीं है राजकुमारी, आइए।
किंतु स्वामी, हम तो साधारण ग्वाले हैं, हम क्या युद्ध करेंगे? सोच अगर पक्की हो तो एक दिन का भी तलवार में बदल सकता है। आपके राज्य के सैनिकों की संख्या कम है, इसीलिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप तैयार हैं? तैयार है स्वामी। दिखाइए, जाइए। जय भवानी। जय भवानी।
मैं जान ही नहीं पाया आप कौन है। न जाने क्या क्या बोल दिया मैंने, आपको लात भी मारी। जब तुमने लात मारी तभी तुम्हारी शक्ति का एहसास हुआ। ये रक्त नहीं है मित्र, विजय तिलक है जो कहता है कि तुम कायर नहीं वीर हो। इस विपत्ति का हमें आभास भी नहीं था, आपने भगवान बनकर बचा लिया। कौन है आप, कहां से आए हैं? हम कौन हैं ये जाने दीजिए महाराज, आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं इसीलिए हम यहाँ आए। इतने बड़े महावीर की हम क्या सहायता कर सकते हैं? जी आपके राज्य की एक सुंदरी पर ये मोहित हो गया है। क्या, कौन है वो सौभाग्यशाली? जी वो आपकी राजकुमारी। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? वो संदेश क्या है वीर? वो क्या है? आपको बंदी बनाने के लिए राजमाता शिवगामी का आदेश है। धोखा। आप गलत समझ रही हैं। हमें शत्रु से बचा के आप हमारे लिए देवता बन गए और अगले ही क्षण हमें बंदी बनाने आ गए। कौन है आप? क्रोध में की गई मीठी बात भी कड़वी लगती है राजकुमारी। जो पूछा जाए उसका जवाब दो। कौन हो तुम? आपका क्रोध शांत होते ही मैं आपको सब कुछ। दूसरे के गले लगते हैं उनके आगे झुकते नहीं है महाराज। राजमाता ने विवाह का प्रस्ताव इस महावीर के लिए भेजा था? जी महाराज, बाहुबली को राजकुमारी से प्रेम है ये बात राजमाता नहीं जानती थी। जब आपने मना कर दिया तो उन्होंने आपको बंदी बनाकर लाने को कहा। मेरी माँ से कभी भूल नहीं हो सकती देवसेना, वो जो भी करती हैं उसके पीछे कोई विशेष कारण होता है। ये सिर्फ समझ का फेर है, प्रतिशोध नहीं। मेरे साथ बंदी बनकर आओ। मेरा मन जीतने वाले महावीर हैं आप। अगर मुझे दासी बनाकर भी ले जाएंगे तो मृत्यु तक मैं खुशी खुशी आपके साथ चलूंगी, लेकिन अपना स्वाभिमान हार के बंदी बनकर आना असंभव है। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना कर दे मैं तुम्हारा हूं देवसेना। जो धर्म मेरी मां ने मुझे सिखाया है उसे साक्षी मानकर वचन देता हूं, तुम्हारे गौरव और मर्यादा पर किसी भी परिस्थिति में आंच नहीं आने दूंगा। अपना हाथ दो।